आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान, जिसमें आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी बीए फाइनल में राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर होता है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। इसमें हम पहले प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें प्लेटो के हम 8 वीडियो पढ़ चुके हैं, और इसी प्रकार अरस्तु को भी हम पढ़ेंगे। अरस्तु का जो जीवन परिचय है इससे लेकर के और कितने इसके वीडियोस बनते हैं उसके बारे में आपको बता दूं, इसके भी कुल 8 वीडियो है, जिसमें अरस्तु का जीवन परिचय है, अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत है, अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार है, अरस्तु का कानून और संप्रभुता संबंधी विचार है, अरस्तु का संपत्ति और परिवार संबंधी विचार है, अरस्तु का आदर्श राज्य का सिद्धांत है, अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार है, और अरस्तु का मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से 40 के लगभग जो प्रश्नोत्तर वीडियोस प्रश्नोत्तर हैं। तो इस प्रकार अब हम जब पढ़ेंगे तो इसमें बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न सभी हमारे क्लियर हो जाएंगे। और आज का ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग को भी लगभग 2 भाग है इसमें, जैसे एक पहले अपलोड किया जा चुका है और शेष भाग है वो अभी अपलोड कर देंगे, जिसमें जीवन परिचय, पहले इसमें जीवन परिचय दिया हुआ नहीं था। जीवन परिचय का जस्ट अगला भाग यानी दासता संबंधी सिद्धांत से पहले जो जीवन परिचय के बाद में थोड़ा सा भाग है वो भी उस एक सेकंड वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो दासता संबंध सिद्धांत भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे वीडियोज हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको ये अरस्तु का सिद्धांत जो पूरा क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इसको हल कर पाए। तो अरस्तु का परिचय संबंधी बहुत ही रोचक परिचय है, इसको आप जानिएगा, बहुत ही रोचक है। तो अरस्तु का जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व में यूनान के मैसिडोनिया के स्टेजीरा नामक नगर में हुआ था, यानी 384 ईस्वी पूर्व। 384 ईस्वी पूर्व का अर्थ है आज से 2400 वर्ष पहले। कितना? आज से 2400 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, जो एथेंस से लगभग 200 मील दूर उत्तर में, जो एथेंस से 200 मील, 200 मील यानी लगभग यानी 300 किलोमीटर। अरस्तु के पिता मेसिडोनिया के राजा और सिकंदर के पिता में एमंट्स के मित्र और चिकित्सक थे। इनके पिता जो मेसिडोनिया के राजा थे और सिकंदर के दादाजी, उनके एमंट्स के वो मित्र थे, और ऐसा लगता है कि स्वयं अरस्तु भी बाद में एस्किल पेड्स के प्रसिद्ध चिकित्सक का समाज का सदस्य बन गया था। यानी जो है अरस्तु है वो भी बाद में एस्किल पेड्स जो है वहां के उस समय का स्थान, वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर बन गए थे, क्योंकि घर में अस्पताली वातावरण था यानी चिकित्सीय वातावरण था, उसमें उनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए उनके मस्तिष्क में वैज्ञानिक ढंग से सोचने का, समझने का अभ्यास हो गया था, जिसके वजह से हर तरह से का अवसर प्राप्त होता, प्रोत्साहन मिलता, और उसकी युवावस्था के समय में कई कहानियां प्रचलित है। इसके बारे में क्या क्या कहानियां प्रचलित है देखिए। एक कहानी तो यह है कि उसने विद्रोही जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पानी की तरह बहा दी थी, यानी उसके पास में जितना भी धन था, जब उनके पिता वगैरह मर गए थे तो उसके बाद में उसने क्या किया, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे, फिर उनके पास एक भी पैसा नहीं रहा था। एक भी पैसा नहीं रहने पर उन्होंने क्या किया, वो सेना में भर्ती हो गए थे, और सेना में भर्ती होने के बाद कुछ समय बाद फिर वो स्टेजीरा अपने जो पैतृक गांव है वहां आ गए थे, और यहाँ आकर के उन्होंने डॉक्टर का काम किया। इसके बाद जब वो 30 वर्ष के हो गए थे यानी 354 ईस्वी में 30 वर्ष के हो गए थे, तब प्लेटो से उसने दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए वो एथेंस चले गए थे। 30 वर्ष की आयु में वो प्लेटो के पास गए थे एथेंस, और वहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली, वहां पर अध्ययन किया, और प्लेटो की देखरेख में उसने 8 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। और वास्तव में अरस्तु की विचारधाराओं में अधिकांश जो प्लेटो विरोधी विचारधाराओं में भी प्लेटो के सिद्धांत की व्यापकता ये बतलाती है कि विद्या अध्ययन की अवधि सबसे अधिक रही होगी, यानी जो प्लेटो के शरण में रह करके और उन्होंने 8 वर्षों तक अध्ययन किया। हालांकि कई विचारों में वो प्लेटो का विरोधी है, प्लेटो से अलग तर्क देता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में प्लेटो का बहुत बड़ा योगदान है, वो प्लेटो को अपना गुरु मानते हैं। प्लेटो ने इस विचित्र नए शिष्य की महानता की पहचान, महानता को पहचान लिया। तो प्लेटो ने जब इसको देखा था तो देखने के बाद लगा कि हाँ ये कोई अलग बच्चा है, जो उत्तरी प्रदेश के ऐसे भाग से आया था जिसे उस समय असभ्य समझा था। यानी जैसे मान लो जहां से ये स्टेजीरा में रहता था, तो स्टेजीरा जो इलाका था वो एक असभ्य गंवारों का इलाका माना जाता था, लेकिन वहां से इस प्रकार का एक टैलेंटेड बच्चा आना, प्लेटो ने देखा कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। प्लेटो ने उसे एक बार अपने विद्या मंदिर नीश
जो इनकी स्कूल थी, या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। उसने कहा कि ये विद्या मंदिर नीश का अवतार है। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह में पानी की तरह पैसा बहाया था। किताबें उन्होंने पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे। तो यूरिपिड्स के बाद ये प्रथम व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय बनाया था। यानी यूरिपिड्स, वैसे यूनान में यूरिपिड्स व्यक्ति हुए थे जिन्होंने किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी, फिर उन्होंने उनका एक पुस्तकालय बना लिया। लेकिन उनके बाद ये भी एक बहुत बड़े व्यक्ति थे अरस्तु भी, जिन्होंने किताबें इतनी पढ़ी कि फिर एक पुस्तकालय बन गया। इसलिए प्लेटो ने अरस्तु के निवास स्थान को विद्यार्थी का घर कहा था। प्रश्न आ जाता है कि विद्यार्थी के निवास अरस्तु के निवास स्थान को घर क्यों कहा? क्योंकि अरस्तु ने बहुत सारी किताबें पढ़ करके और वहां पर अपने घर में जमा रखी थी, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों का घर कहा था और उसके हृदय से प्रशंसा की थी। किंतु कतिपय प्राचीन कथाओं में उक्त कथन का दूसरा अर्थ लगाया गया। कई लोग जो है इस कथन का अलग अर्थ लगाते हैं। उसने कहा ना कि वो विद्यार्थी का घर है, तो इसका कई अर्थ अलग लगाते हैं और कहते हैं कि प्लेटो अरस्तु को किताबी समझते थे। अरस्तु यानी प्लेटो कहता था कि ये तो किताबी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा किताबें रखता है। प्लेटो का अपने इस शिष्य के संबंध में कथन था कि वे घोड़े के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के बाद उसे लात मार देता है। यानी उसने कहा कि ये वो घोड़े की तरह, अर्थात कहने का अर्थ है कि माँ का दूध पीने के बाद में वह उस पहचानता नहीं। इसी प्रकार जब वो किताब को पढ़ लेता था तो सारी किताब की शक्ति अपने अंदर ले लेता था। कुछ जीवनी लेखकों ने यह भी कहा है कि अरस्तु जो है वो आपके आइसोक्रेट्स विचारकों की प्रतिद्वंदिता में एक विद्यालय की स्थापना की थी। अरस्तु ने क्या किया, आइसोक्रेट्स में, आइसोक्रेट्स जो विचारक थे उनकी प्रतिद्वंदिता में, यानी वहां पर जो तानाशाह वर्ग के जो विचारक थे उनकी प्रतिद्वंदिता में, मतलब उनके कंपटीशन में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी जो कि व्याख्यान देने की कला की शिक्षा दी जाती थी जहां पर। और यह भी कहा जाता है कि इस विद्यालय में हर्मियास नामक एक उसका धनी शिष्य भी था। एक अरस्तु का एक चेला था जिसका नाम था हर्मियास। उसके पास बहुत धन था, जो बाद में एटारनोस नगर राज्य का एक स्वेच्छाचारी राजा बना था। एटारनोस का वहां पर यूनान का एक नगर है जहां का वो राजा बना था, कौन, हर्मियास। और हर्मियास ने इस उच्च पद पर पहुंचने के बाद अरस्तु को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। जब हर्मियास राजा बन गया था एटारनोस का, तो उसने अरस्तु को अपने वहां पर बुला लिया और उसकी पिछली सेवाओं या कृपाओं के बदले अपने गुरु के साथ अपनी बहन, कई जगह बहन भी लिखा हुआ, कई जगह भतीजी भी लिखा हुआ है, और 344 ईस्वी पूर्व में उसका विवाह कर दिया गया। 344 ईस्वी मतलब लगभग 40 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी। और कोई भी इसे एक यूनानी भेंट के रूप में स्वीकार कर सकता है, किंतु इतिहासकारों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि प्रतिभा संपन्न होते हुए भी अरस्तु का जीवन अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा सुखमय रहा। यानी अपनी पत्नी के साथ उनकी बहुत बनती थी और उनका जो टेस्टामेंट लिखा हुआ है, उनका जो वसीयतनामा लिखा हुआ है, तो उस वसीयतनामा में उसने अपनी पत्नी के संबंध में बहुत अच्छे प्रेमपूर्ण संबंध जो है बताए हैं। तो यानी उनकी पत्नी जो है हर्मियास की भतीजी या हर्मियास की बहन थी, जो एक राजा था, एक राजा की बहन यानी राजकुमारी कह सकते हैं, एक राजकुमारी थी जिसने उनके साथ विवाह किया था। लगभग एक वर्ष बाद मेसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का काम सौंपने के लिए उसे अपने पेल्ला के दरबार में बुलाया था। यानी पेल्ला में उन्होंने दरबार लगाया और राजा फिलिप थे, तो फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर की शिक्षा को, यानी सिकंदर को शिक्षा देने के लिए उसने अरस्तु को आमंत्रित किया था। और इस दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि तत्कालीन सबसे महान राजा ने सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में अरस्तु को चुना, जिसे विश्व के भावी शासक का शिक्षक बनना था। यानी फिलिप वहां का बहुत बड़ा राजा था और बहुत बड़े राजा ने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए अरस्तु को चुना, ये बहुत बड़ी ख्याति हो गई थी। और फिलिप का यह दृढ़ निश्चय था कि उसके पुत्र को हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, और क्योंकि उसने उसके संबंध में अनंत योजनाएं बनाई थी। वो चाहते थे कि सिकंदर जो है वो एक दुनिया का राजा बने। सिकंदर क्या बने, दुनिया का राजा बने, इसलिए वो इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता था। और उनके उनको पूरा विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा केवल कौन दे सकता है, अरस्तु ही दे सकता है। और 356 ईस्वी पूर्व उसकी थ्रेस पर विजय हो जाने के बाद, थ्रेस जो यूनान का नगर था, वहां पर फिलिप ने विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने पर वहां उसे सोने की खानों पर अधिकार हो, वहां सोना था और सोने की खानों पर, क्योंकि वहां का राजा बन गया, अब उस पर अधिकार हो गया, जिससे उसकी आय 10 गुना बढ़ गई।
और उसकी प्रजा में परिश्रमी किसान और योद्धा भी थे जो शहर को विलास में जीवन और दुर्गुणों से बहुत दूर रखते थे। तो थ्रेस में जितने भी लोग थे वो बहुत बड़े परिश्रमी थे, वहां की जनता बहुत अच्छी थी। और ईसा पूर्व 338 में उसने एथेंस वासियों को कोरोनिया के युद्ध में परास्त किया था। एथेंस वासियों को कोरोनिया का युद्ध हुआ था, कोरोनिया के युद्ध में 338, यानी छोटे छोटे प्रश्न लिख लेना है, 338 ईस्वी में उसने कोरोनिया के युद्ध में एथेंस वासियों को परास्त भी किया था, और अंत में अपनी आंखों से एक संयुक्त यूनान देख लिया। और अंत में उसने देखा कि मैं ये सोचता हूं कि ये पूरा यूनान अब एक है, और यद्यपि वह गुलामी की जंजीरों में एक किया गया था, यानी पूरे यूनान को एक करने का, पूरे यूनान का राजा जो है वो फिलिप बन गया था। और इसके बाद उसका एक विजय से जो ही सहसा साहस बढ़ा तो वह सोचने लगा कि किस तरह यह है और उसका पुत्र समस्त संसार पर विजय प्राप्त करे। अब उसने वो योजना बनानी शुरू कर दी कि मेरा बेटा सिकंदर जो है वो बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और मैं भी महान हूं, तो दोनों मिलकर के हम पूरे संसार को, पूरी दुनिया पर राजा बनेंगे, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधेंगे। जिस प्रकार यूनान का राजा फिलिप कहलाता है, उसी प्रकार पूरी दुनिया का राजा है सिकंदर कहलाए। और इस प्रकार की उसने एक सूत्र में बांधने की सोची, लेकिन उसकी किसी ने हत्या कर दी, लेकिन फिलिप को किसी ने मार दिया। अब फिलिप को मार दिया तो काम जो है किस पर आ गया, सिकंदर पर आ गया। जब अरस्तु उसे शिक्षा देने आया था तब सिकंदर की आयु थी 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष थी, लेकिन वो बहुत बड़ा युवक लगता था, जो क्रोधी था, हठीला था, मदमस्त भी था। उसे ऐसे घोड़े पालने का शौक था जिन्हें वश में करना मनुष्यों के लिए कठिन हो, यानी वो जो अड़ने वाले घोड़े हैं वो पालने का शौक रखता था। तो इस बाल ज्वालामुखी की लपटों को शीतल करने के लिए दार्शनिक को विशेष सफलता नहीं मिली, यानी वो सिकंदर को शिक्षा जो देना चाहता था वो शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाया। और अरस्तु को सिकंदर के संबंध में जितनी सफलता मिली थी उससे कहीं अधिक सिकंदर को बुसिफालस के संबंध में मिली थी, यानी सिकंदर जो है, बुसिफालस जो स्थान है उसके संबंध में जो है उसको सफलता मिल गई थी। प्लूटार्क इसके बारे में ये कहता है कि सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम और उतनी ही श्रद्धा थी जितनी की अपने पिता के प्रति, यानी वो सिकंदर जो है अरस्तु को अपने पिता के समान सम्मान देता था, उसका रेस्पेक्ट करता था। और उसका कहना था कि यदि अपने पिता से जीवन पाया है तो गुरु से उसने जीवन की कला दी, यानी वो कहते थे कि भाई पिताजी ने मुझे जीवन दिया है तो गुरु ने मुझे जीवन जीने की कला दी। तो गुरु जो है वो पिता के समान ही होता है, गुरु का सम्मान करने वाले विद्यार्थी हमेशा आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि सिकंदर तो कितना सफल हुआ था। सिकंदर ने अपने एक पत्र में अरस्तु को ये बात लिखी थी कि मैंने अपने को शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने की कला की अपेक्षा इस ज्ञान में अधिक श्रेष्ठ बना लिया है कि अच्छाई क्या है। और दर्शन शास्त्र के उत्साही नौसिकीय के अंदर बर्बर राजकुमार और अनियंत्रित राजा के जोशीले बेटे का रूप छिपा हुआ था। सिकंदर बिल्कुल जोशीला था और मन नहीं मानने वाला था, उस पर नियंत्रण करना भी सफल नहीं था, और दर्शन शास्त्र के संबंध में वो बिल्कुल अनजान सा था। तो सिकंदर ने राज सिंहासन पर आसीन होने और पूरे विश्व को विस्मय करने की इच्छा से 2 वर्ष बाद दर्शन शास्त्र को त्याग दिया। उसने कहा कि अब दर्शन शास्त्र की नहीं, मुझे जो है विश्व को कैसे वश में करना है वो मैं ही करूंगा। इतिहास में हमें ये विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है। सिकंदर को विश्व विजय की भावना की थोड़ी बहुत शक्ति और प्रेरणा अपने गुरु से मिली थी, यानी सिकंदर को ये शिक्षा भी मिली थी। अरस्तु ने भी सिकंदर को ये कहा था कि आप जो है पूरे विश्व को जीत सकते हैं यदि मैं बताऊं उस अनुसार यदि शिक्षा ग्रहण करो तो। दर्शन शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण विचारक था अरस्तु। एशिया विजय के लिए रवाना होने पर सिकंदर अपने पीछे यूनान के नगरों में अपने अपनी समर्थक सरकारें तो छोड़ गया था, किंतु जनता एकदम विरोधी थी। यानी जब वो सिकंदर जो है यूनान के नगरों में, जब वो एशिया में विजय प्राप्त करने के लिए, यानी वो इधर आया था, यानी इधर एशिया महाद्वीप में जितने भी देश थे उन देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए आया था, तो यूनान को छोड़ना पड़ा और यूनान के लोग उनसे नाराज थे क्योंकि उसका जो शासन था वो एक तानाशाह का शासन था। तो एथेंस की लंबी परंपरा में जो कभी साम्राज्य भी रह चुका था, गुलामी ऐसे थी, चाहे वह विश्व विजय शानदार स्वेच्छाचारी शासक की ही गुलामी क्यों नहीं थी। यानी वहां पर जो यूनान में एथेंस जो नगर था या एथेंस जो देश था, राजा था, राज्य था, एथेंस में क्या होता था कि जनता वहां की गुलामी सहन नहीं करती थी और गुलामी को वो बुरा मानती थी। तो वहां पर क्या है कि जो ये सिकंदर हटा, सिकंदर हटते ही वो आजाद हो गए। जब अरस्तु दूसरी बार विदेश भ्रमण के लिए 334 ईस्वी पूर्व में एथेंस लौटा, दूसरी बार
विदेश भ्रमण करने के बाद जब 334 ईस्वी पूर्व में यानी 338 के आसपास वो गया और चार बार उस 4 साल तक उसने देश भ्रमण किया। देश भ्रमण करने के बाद जब वो एथेंस लौटा तो उसका स्वाभाविक रूप से मेसिडोनियन दल से संबंध हो गया। वो मेसिडोनियन जो पार्टी थी वहां पर वो उसका नेता बन गया और उसने सिकंदर के एकतामूलक शासन को अच्छा मानने के विचारों को छिपाने का प्रयत्न किया। यानी वो जब वो एथेंस लौटा था अरस्तु दूसरी बार तो उसने मेसिडोनियन दल से संपर्क किया, संपर्क करके और उसने सिकंदर को वहां पर कहा कि भाई सिकंदर जो है इस बात के लिए फिट है। और राजाओं के राजा को शिक्षा देने वाले इस गुरु को एथेंस के समान विरोधी लोगों ने भी नगर में शिष्यों का मिलना कठिन नहीं था। यानी जैसे एथेंस में भी ऐसा नहीं था कि भाई अरस्तु के शिष्य नहीं थे, चेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। और अरस्तु ने 53 वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लिसियम की स्थापना की। 53 वर्ष की आयु में यानी 384 जो है 384 में से 353 जब हम निकालते हैं तो कितने रह जाते हैं यानी 331 ईस्वी में उसने अपने विद्यालय लिसियम की स्थापना की और इसमें इतने छात्र इकट्ठे हुए यानी उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए इतने विद्यार्थी आ गए थे कि व्यवस्था बनाए रखना जटिल हो गया था। और छात्रों ने स्वयं उन नियमों की रचना की थी और वे हर 10वें दिन अपने में से एक छात्र को विद्यालय की देखरेख के लिए निर्वाचित करते थे। मतलब इतने लोग एकत्र हो गए थे, इतने विद्यार्थी आ गए थे कि फिर विद्यार्थियों में से ही अपने आप की निगरानी रखने के लिए उनको पहरा देना पड़ता था। हमें जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार ज्ञात होता है कि सभी छात्र अपने गुरु के साथ समान रूप से भोजन करते थे। उसका जो विद्यालय था ना लिसियम में वहां पर क्या है कि अपने गुरु के साथ रहते, भोजन करते, खेलकूद के मैदान में गुरु के साथ घूमते फिरते थे, उनसे अच्छा ज्ञान प्राप्त करते थे क्योंकि बच्चों को सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। और इसी खेलकूद के मैदान के नाम पर ही उसके विद्यालय का नाम लिसियम पड़ा था। यानी उस जो लिसियम था वो खेलकूद के मैदान का नाम था, इसीलिए उसने उस नाम के आधार पर ही उसने अपने स्कूल का नाम रखा था। प्लेटो के विद्या मंदिर में सबसे अधिक ध्यान गणित तथा विचार एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र पर दिया जाता था। भाई जैसे मान लो प्लेटो ने भी अपना स्कूल लगाया था तो उसमें गणित पढ़ाया जाता था, राजनीतिक और दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, जबकि अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान जो थे उन पर विशेष रूप से पढ़ाया जाता था। यहां पर से छोटा प्रश्न आ सकता है कि अरस्तु के विद्यालय में किन विषयों की विशेष शिक्षा होती थी, तो वो होता था जीव विज्ञान और प्रकृति विज्ञान। यदि हम प्लिनी नामक के विद्वान के कथन पर विश्वास करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सिकंदर ने अपने शिकारियों, आखेट करने वालों, मालियों, मछुआरों को आदेश दे रखा था कि वे अरस्तु को उसकी इच्छा अनुसार प्राणी शास्त्र संबंधी तथा वनस्पति शास्त्र संबंधी सामग्री देते रहे। यानी सिकंदर जो है अपने वहां पर जितने भी नागरिक थे, जैसे कोई शिकार करने वाले हैं, आखेट करने वाले हैं, जैसे जड़ी बूटियां लाने वाले हैं, मछुआरे हैं, उनको कह रखा था कि अरस्तु जो भी सामान मंगवाता है आपसे तो वो आप ला करके देंगे। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान से संबंधित प्रयोग करते थे। और अन्य प्राचीन लेख है उनमें भी ये बताया गया है कि किसी समय उसकी सेवा में 1000 व्यक्ति थे। अरस्तु की सेवा में 1000 लोग रहते थे जो समस्त यूनान और एशिया में फैले हुए थे। संपूर्ण एशिया में जाते थे, यूनान में फैले हुए थे। उसके लिए हर प्रदेश के पशु और वनस्पतियां एकत्रित करते रहते थे। इन सामग्रियों की निधि से उसने एक प्राणी शास्त्र संबंधी बाग तैयार कर लिया था, मतलब एक बगीचा बना लिया था जो विश्व में अनेक प्रकार का पहला था। यानी विश्व के सारे जानवर, विश्व की सारी जड़ी बूटियां, विश्व के सारे पेड़ पौधे उस बगीचे में मिलते थे, तो एक इतना बड़ा उसने तैयार कर लिया था। तो एथिनास का ये कथन है कि सिकंदर ने अरस्तु को भौतिक तथा प्राणी विद्या संबंधी सामान खरीदने और अनुसंधान करने के लिए 800 यूनानी गिनियां दी थी। सिकंदर जब राजा था तो उसने भौतिक विज्ञान और प्राणी विज्ञान के सामान खरीदने के लिए उसने 800 गिनियां दी थी। 800 गिनियों का मतलब है $40,00,000। $40,00,000 का मतलब आज हम जैसे $1 को 90 से गुणा कर लो कितने लाख रुपए हो जाते हैं, $40,00,000। तो अरस्तु के सुझाव पर ही सिकंदर ने नील नदी का उद्गम जानने और समय समय पर उसमें बाढ़ आ जाने के कारण खोजने के लिए एक दल भेजा था। यानी सिकंदर को इसने कहा था अरस्तु ने कि वहां पर एक दल भेजा जाए जिस पर बहुत अधिक धन व्यय किया गया था। और अरस्तु के लिए 158 राजनीतिक विधानों की रूपरेखा वाले विधि संग्रह की रचना की। यानी तो ऐसा कहा जाता है कि 158 संविधानों का उसने अध्ययन भी किया था। ऐसी अन्य पुस्तकों को तैयार किया जाना बतलाता है कि उसकी सहायता के लिए अनेक सचिव और सहायक अधिकारी थे। यानी हजारों आदमी उसकी सेवा में रहते थे। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं
कि हमारे समक्ष यूरोपीय इतिहास का एक प्रथम उदाहरण है जबकि राजकीय कोष से विज्ञान पर बड़े ऊंचे पैमाने पर धन खर्च किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसने राजकोष से अपने गुरु या अपने शिक्षक के लिए, यानी राजकोष से विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च किया था, वो था सिकंदर। तो इसीलिए सिकंदर को महान कहा जाता है। तो अरस्तु के जीवन का अंतिम काल जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टमय बीता था। क्या क्या कष्ट था उसे देखिए। एक और तो उसने सिकंदर से दुश्मनी मोल ले ली थी, सिकंदर से उसकी दुश्मनी हो गई थी, जबकि उसने कैलिसनीस की फांसी का विरोध किया था। कैलिसनीस जो था वो अरस्तु का, इसका सिकंदर का भतीजा था, और उसे जब फांसी दी जा रही थी तो अरस्तु ने उसका विरोध कर दिया था। अरस्तु ने विरोध कर दिया तो सिकंदर नाराज हो गया, और सिकंदर को जो क्या है कि ये कैलिसनीस है वो सिकंदर को ईश्वर नहीं मानता था, उनके बीच में मतभेद क्या था। कैलिसनीस क्या करता था, सिकंदर को भगवान मानने से उसने मना कर दिया। मना करने पर दोनों के बीच में अनबन हो गई, और वो सिकंदर राजा था तो उसने उसे पकड़वा करके मारना तय था। जब अरस्तु ने इसका प्रतिरोध किया, अरस्तु ने कहा कि नहीं ये गलत बात है, तो सिकंदर ने यह संकेत दिया कि दार्शनिकों तक को मृत्यु सजा देना उसके अधिकार की बात। उसने कहा कि आप गुरु हैं, अच्छी बात है, लेकिन समय आने पर गुरु को भी मारा जा सकता है, ऐसा उसने कहा। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी शक्ति है, अगर उसके राज्य को कहीं भी गड़बड़ लगती है तो वह अरस्तु को भी मार सकता है। इसके साथ ही अरस्तु और एथेंस वासियों के बीच सिकंदर का पक्ष प्रतिपादित करने में व्यस्त हो गया। अरस्तु क्या गया, एथेंस वासी पक्ष प्रतिपादित करने में व्यस्त हो गया, और उसने नगर की देशभक्ति की अपेक्षा यूनान की एकता को अधिक अच्छा समझा था और सोचा था जब वो प्रभुता संबंध छोटे छोटे राज्य और उनके झगड़े समाप्त हो जाएंगे। उसने सोचा कि जब हमारे यूनान में ये छोटे छोटे राज्य जो है ये झगड़ने बंद हो जाएंगे तब एक संस्कृति और उन्नत विज्ञान की स्थापना होगी। उसने सिकंदर में ये गुण देखे थे जो गेटे ने नेपोलियन में देखे थे। नेपोलियन को उन्होंने, गेटे के जो उनके गुरु थे उन्होंने देखा कि नेपोलियन बहुत महान है। वही बात सिकंदर में लगी थी अरस्तु को। स्वतंत्रता के भूखे यूनानवासी अरस्तु को बलाबुरा कहने लगे। जब सिकंदर ने विरोधी नगर के बीचों बीच इस दार्शनिक की प्रतिमा स्थापित कर दी थी तो उनकी कटुता और भी बढ़ गई। सिकंदर ने क्या किया, जब दार्शनिक ये जो राजा थे तो इसकी प्रतिमा यानी वहां पर एक मूर्ति लगा दी तो सारा नगर उनके विरोधी हो गया, और प्लेटो की अकादमी के उत्तराधिकारी तथा कुछ जन समूह जो डेमोसनीज की तीखी वाक्पटुता पर, डेमोसनीज वहां का उनका विरोधी था, डेमोसनीज कहा कि ये बहुत गलत है और यहाँ पर ये प्रतिमा लगाना, वहां यहाँ पर ये मूर्ति लगाना ये बहुत ही गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि एथेंस वासी जो थे यूनान के नगर यूनानी जो है वो उसके विरुद्ध हो गए, और अब षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे मारा जाए, और अरस्तु को देश निकाला देने या मृत्युदंड देने की मांग की शोर मचाने लगे। उन्होंने कहा कि अरस्तु को यहां से देश से बाहर निकाला जाए या इसको मार दिया जाए, और इसी दौरान अचानक 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर पर अटैक हो जाता है, सिकंदर की मौत हो जाती है। इससे क्या हुआ, सिकंदर की मौत हो गई तो अब तो जैसे उसका रखवाला कौन था, उसका रखवाला था सिकंदर अरस्तु का। अब अरस्तु अकेला हो गया, एथेंस वासी देश प्रेम के आनंद से पागल हो गए, और मैसिडोनियन दल का तख्त उलट दिया, मतलब वो शासन समाप्त कर दिया और एथेंस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि एथेंस जो है स्वतंत्र है। और सिकंदर का उत्तराधिकारी और घनिष्ठ मित्र एंटीपीटर विद्रोही नगर पर चढ़ गया, और मैसिडोनियन दल के अधिकांश लोग वहां से भागे। मैसिडोनियन दल के जो पार्टी के लोग थे वो एथेंस को छोड़ छोड़ करके भागे, और एंटीपीटर वहां का राजा बन गया। इस प्रकार यूरिमेडन नामक एक पुरोहित ने अरस्तु के विरुद्ध अभियोग पत्र रखा। अब क्या है कि वो एंटीपीटर जब राजा बना तो वहां पर यूरिमेडन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अरस्तु के विरुद्ध एक केस लगाया जिसमें उस पर आरोप थे कि वे प्रार्थना और बलि को व्यर्थ मानने की शिक्षा देता है। जैसे यूनान में प्रार्थना और बलि, इसको उन्होंने कहा कि भाई इसको ये व्यर्थ मानने की शिक्षा देता है। अरस्तु ने देखा उसका भाग्य अब उन न्यायाधीशों और जनसमूह के हाथों में आ गया। अब उस अरस्तु ने देखा कि अब इन लोगों के हाथ में आ गया हूं मैं जो सबसे अधिक उनके विरोधी थे, जिन्होंने सुकरात की हत्या कर दी थी, यानी इस जो है इस दल के लोगों ने सुकरात की भी हत्या कर दी थी। सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक था, इसलिए उसने बुद्धिमानी की और ये कहकर नगर छोड़ करके चला गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार पाप करने का अवसर नहीं देना चाहता। यानी उसने क्या किया, वो एथेंस छोड़ दिया, और कैल्सिस आकर अरस्तु बीमार पड़ गया।
वहां पर कैलेसिस आ गया, वहां आकर के अरस्तु बीमार पड़ गया। और डायग्निस लार्टियस का कहना है, डायग्निस लार्टियस जो राजनीति शास्त्र के विद्वान है, उनका कहना है कि इस वृद्ध दार्शनिक ने एकदम निराश होकर विषपान द्वारा आत्महत्या कर ली और यहां आकर के वो जहर खा लिया, जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। और अपने को चाहे जितना संभालने के बाद भी अरस्तु की बीमारी घातक सिद्ध हुई और एथेंस छोड़ने के कुछ महीने बाद 322 ईस्वी पूर्व में उनका संसार त्याग दिया अरस्तु। यानी जैसे 323 में तो सिकंदर मर गया, 322 ईस्वी पूर्व में ये मर गया। तो इस प्रकार यूनान का सूर्य अस्त हो गया, इसके बाद उसका वैभव भी नष्ट हो गया। 1000 वर्ष तक यूरोप के मुख पर एक अंधकार की छाया फैलती रही और समस्त संसार दर्शन के पुनर्जीवन की, समस्त संसार जो है इसके दर्शन के पुनर्जीवन की प्रतीक्षा करने लगे कि भाई उनका दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा था, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। तो अरस्तु ने क्या क्या रचनाएं लिखी? अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ और एक प्रथम विश्वकोशी था। उसने तर्क शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला, काव्य कला, इन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और उन सभी समस्त ग्रंथों की संख्या बता पाना भी संभव नहीं, इतनी किताबें उन्होंने लिख दी थी। तो उनकी किताबों को यदि हम देखें तो डियोग्नेस लार्टियस कहते हैं कि अरस्तु ने अरस्तु के जीवन चरित्र के साथ जो सूची दी है उसमें अरस्तु की रचनाओं की संख्या 400 बताई गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से समूचा ग्रंथ संग्रह 3500 पृष्ठों का 12 खंडों में प्रकाशित हो, यानी 3500 पृष्ठ है उसमें और 12 खंड है, ये उसका जो ग्रंथ है वो भी प्रकाशित हो गया। उसने कौन कौन से विषयों पर लिखा था देखिए, सबसे पहले उन्होंने राजनीति पर लिखा, किताब लिखी पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशंस, साहित्य पर लिखा एडमस और शॉर और प्रोटेपिकस और पॉलिटिक्स और रेटोरिक, ये भी जो काव्य कला पर है। तर्कशास्त्र और दर्शन पर लिखा था फिजिक्स, डी एनिमा, द प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स, ये उन्होंने तर्कशास्त्र पर लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने भौतिक विज्ञान पर लिखा था जिसके चार भाग है, मेटेरियोलॉजी, और शरीर विज्ञान पर लिखा इसने हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, इसके 10 अन्य ग्रंथ है। अरस्तु की महानतम रचना थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है जिसमें राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक बहुमूल्य नीति बताई जाती है। इसमें पूछा जा सकता है कि अरस्तु की राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता और नीति से भिन्न बताया अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान भी कहा था कि भी ये सर्वोत्तम विज्ञान भी है। जेलर जो है महान विद्वान है, उसके अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान नीति है, एक खजाना है, और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु की एक अनुपम देन है। पॉलिटिक्स की सातवीं और आठवीं किताबें पुस्तकों की रचना सबसे पहले हुई और उसने 7 और 8 नंबर लगाया, लेकिन ये किताबें सबसे पहले हुई और इन पुस्तकों पर अरस्तु पर प्लेटो के प्रभावों की स्पष्ट छाप नजर आती है। ये जो 7वीं पुस्तक और 8वीं पुस्तक है, इन किताबों पर अरस्तु की जो किताबें हैं इन पर प्लेटो की सबसे ज्यादा छाप है। ऐसा लगता है इन दोनों पुस्तकों की रचना 347 ईस्वी पूर्व की थी। ये 7वीं और 8वीं पुस्तक है इसकी, और जब ये अकादमी को त्याग कर अस्सुस क्षेत्र में रहने लगा था, इसकी रचना अरस्तु के एथेंस के दूसरे निवास काल में आयु के अंतिम 12 वर्षों में 335 से 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स अरस्तु की एक ऐसी रचना है जिसमें अपूर्णता और अस्पष्टता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसे अरस्तु ने एक साथ क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखा था, मतलब कभी कुछ भाग का रचना की, कभी कुछ भाग की रचना की। तो उम्मीद करता हूं कि अरस्तु का परिचय आपके समझ में आया होगा। अरस्तु का परिचय आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, क्या कितना याद हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।